हेलो, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है मीनम और स्वागत है आपका हमारे आज के इस डेली करंट अफेयर्स सेशन में। तो एज़ यू ऑल नो, हम लोग रोज़ाना मिलते हैं कितने बजे, 8 बजे मिलते हैं, ये सेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। और हमारा एक और सेशन होता है जो कि होता है वीकली सेशन, वो हमारा कब होता है, सैटरडे वाले दिन होता है 11 बजे। तो इससे पहले कि हम अपना सेशन स्टार्ट करें, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रा मुझे कोई आप में से कोई मुझे कमेंट करके बता दो कि जो वॉइस वगैरह है एवरीथिंग इज़ फाइन, सो दैट हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, अगर कोई इशू है तो हम रिजॉल्व कर लें, अदरवाइज़ हम आगे बढ़ सकें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करे जब भी हम लोग लाइव हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कहीं शुरू कर देते हैं हमारा आज का सेशन, जब तक बाकी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ज़रा देख लिया जाए, कल हमारे जो होमवर्क के क्वेश्चंस थे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि हमारे होमवर्क के क्वेश्चंस क्या थे। तो एज़ यू कैन सी, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था हु इनॉग्रेटेड द कंट्रीज़ फर्स्ट स्मॉग टावर ऑन 23rd अगस्त 2021 को देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किसने किया है? अरविंद केजरीवाल इसका आंसर था, राइट आंसर। और ऑब्वियसली बात है, अगर ये अरविंद केजरीवाल है तो इसका जो स्टेट होगा वो कौन सा होगा? दिल्ली जो है फर्स्ट यूटी बन गया है जहाँ पे ये स्मॉग टावर लगाया जाएगा। स्मॉग आप सभी जानते हैं, स्मोक यानी जो धुआं है आपका, प्लस आपका जो फॉग जो कोहरा होता है, ये कंबाइन होकर इसे स्मॉग कहा जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है फॉर हेल्थ। और अक्सर विंटर्स में आपका जो दिल्ली है वो स्मॉग से स्मॉग की वजह से वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन था हमारा, इन उत्तर प्रदेश द गवर्नमेंट इज़ प्रपोज टू चेंज द नेम ऑफ विच सिटी टू हरिगढ़। ठीक है, इन द मीटिंग ऑफ पंचायत बोर्ड, उत्तर प्रदेश में सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा है? तो ये कौन सा शहर है? ये आपका अलीगढ़ है। तो अलीगढ़ का नाम बदल के क्या रखने की बात हो रही है? हरिगढ़ रखने की बात हो रही है। और ऑब्वियसली बात है, ये यूपी स्टेट का एक सिटी है, तो आपके सीएम योगी हैं, ये वो बात कर रहे होंगे। इसके अलावा गुड मॉर्निंग जैकी, क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए ये चीज़। इसके अलावा एक चीज़ और बतानी थी, यूपी गवर्नमेंट की ही बात हो रही है तो यूपी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल को वो मैन्युफैक्चर करेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट होंगे कहाँ पे? यूपी में। और एक चीज़ और, आई थिंक कल ही ये चीज़ आई है, हो सकता है हमें क्वेश्चन भी डिस्कस करें आगे चल के, कि इंडियन रेसलिंग टीम, ठीक है, इंडियन रेसलिंग टीम जो है हमारी, उसे यूपी गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी। कब तक स्पॉन्सर करेगी? 2032 तक, 2032 तक यूपी गवर्नमेंट क्या करेगी? स्पॉन्सर करेगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग पद्मा, राजेश जी एंड जैकी, थैंक यू बताने के लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नौरीन, शिवम, रजत, युक्ति, रामदास, रीबू एंड प्रियतोष, आंसर्स आप लोगों के सही थे। ठीक है, गुड मॉर्निंग विनोद, चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मुझे आप लोगों को और बतानी थी, वो ये थी, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर था स्मॉग टावर, उसके बारे में ज़रा छोटी सी बात कर लेते हैं। स्मॉग टावर मैंने अभी बताया, दिल्ली सिटी में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, और इसमें क्या होगा, 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ फ्रेश एयर पर सेकेंड क्या होगी, निकलेगी, यानी इतनी स्वच्छ हवा इस टावर से बाहर आएगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट विल सक पॉल्यूटेड एयर, जो पॉल्यूटेड या प्रदूषित हवा है उसको सक करेगा, और ऊपर से ये जो फ्रेश एयर है वो निकालेगा। स्मॉग टावर का ये काम है। ठीक है, इसके अलावा इसको डेवलप किसने किया है ये जान लो, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने इसे बनाया है, बट लोकली हमारे यहाँ इसका रेप्लिका या इसका डुप्लीकेट कह सकते हैं, आईआईटी मुंबई रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। इसके अलावा जो 1 किलोमीटर का रेडियस होगा इस टावर के आसपास, वहाँ पे इसका जो इफेक्ट होगा वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्मॉग टावर जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है कहाँ पे, दिल्ली में। आ जाओ जी, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, ए के गुड मॉर्निंग, चलो जी क्वेश्चन पढ़िए ज़रा, हम अपनी स्क्रीन सेट कर लें सो दैट हम आपके कमेंट्स पढ़ सकें। हाँ जी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन ही है, आप जानते ही हैं कि आपको क्या करना है। गुड मॉर्निंग रजत, जैकी का आंसर आ गया है, पद्मा का आंसर आ चुका है, ज़रा बाकी लोगों का भी देख लें, ए के विनोद, ठीक है, और भी जो लोग हैं।
अभी नौरी नहीं आई है, रिभु नहीं है, ठीक है, आई थिंक आज लेट हैं सब। चलो देख लेते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या है जी क्वेश्चन? विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ 100 डेज कैंपेन नेम्ड सुजलाम टू क्रिएट मोर एंड मोर ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस? किस मंत्रालय ने अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त प्लस गांव को बनाने के लिए सुजलाम नामक 100 दिनों का अभियान शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, सेकेंड, पहला कृषि और कल्याण, आपका किसान कल्याण मंत्रालय, सेकेंड है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एंड देन नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति मंत्रालय। ये सारे ही मिनिस्ट्रीज अभी आई थिंक रिसेंटली कुछ रीशफल हुआ है, तो हम एक जगह ज़रा देख लेंगे। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, अभी नहीं बताऊंगी इसमें कौन सी मिनिस्ट्री में कौन है, ठीक है। नौरीन आ गई, विवेशियस का आंसर भी आ गया, विवेशियस का नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो ज़रा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई वाला, जल शक्ति मंत्रालय, गजेंद्र सिंह, जाहिर सी बात है। अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या यहाँ बात करनी, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, शौच मुक्त प्लस गांव की बात हो रही है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है कहानी है इसकी। अगर हम बात करें तो एज आई सेड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, उसने इसको लॉन्च किया है। 100 डेज का ये कैंपेन है और इसका नाम क्या रखा गया है, सुजलाम रखा गया है, और ये क्रिएट करेगा जो खुले में शौच फ्री जो प्लस विलेजेस हैं उनको क्रिएट करेगा बाय अंडरटेकिंग वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एट विलेज लेवल। आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ जो वेस्ट वाटर होता है उसका मैनेजमेंट बहुत बुरा है, तो उसका मैनेजमेंट के अंतर्गत आपका ये किया जाएगा। आप सभी जानते हैं आरओ वगैरह हम यूज़ करते हैं, कितना पानी वेस्ट कर देते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, है ना। चलिए इसके बारे में बात कर ली है। हम मिनिस्ट्रीज़ की बात करें तो आपके एक मिनिस्ट्री उसमें दिखाई दे रही थी, अगर आप देख पा रहे हो, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं। हम सारे मिनिस्टर्स नहीं करेंगे डिस्कस, बिकॉज रिसेंटली चेंज हुए थे, तो कुछ को देख लेते हैं जो क्वेश्चन के ऑप्शंस में थे। एक तो आपका धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। दूसरा नाम एग्रीकल्चर मिनिस्टर उसमें था नरेंद्र सिंह तोमर, इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, मुरैना एमपी, और ये एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हैं, और इनका ये राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी एमपी है इनका, किसका, धर्मेंद्र प्रधान का, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं और जो मिनिस्टर्स हैं हमारे ऑप्शन में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं, हमारी नेक्स्ट स्क्रीन की अगर हम बात करें तो इसमें भी कुछ मिनिस्टर्स हैं जो हमारे ऑप्शंस में थे, ज़रा आप देख पा रहे होंगे, श्री जी किशन रेड्डी, ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर है, और मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तेलंगाना, सिकंदराबाद इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर देख पा रहे हो, भूपेंद्र यादव, ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है भूपेंद्र यादव, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी राज्यसभा राजस्थान है। और एक मिनिस्टर आई थिंक आपके और थे, हाँ, जल शक्ति मिनिस्टर, ये भी गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, और इनका नाम गजेंद्र सिंह शेखावत है। गाइस मैं सारे डिस्कस नहीं कर रही, पीडीएफ में है, तो जब आप देखना तो एक रीडिंग लगा लेना, बिकॉज ये सारे अभी रिसेंटली चेंजेस आए थे ना, तो क्या होता है कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए मैंने सब एक साथ कर दिया है, सो दैट कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन भी आ गया है, तो जब पीडीएफ खोल लो ना तो सब एक साथ आपको मिल जाएगा वो। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, कहाँ गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, हर्षित राजा, देन वी हैव नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्या लिखा है जी, नेक्स्ट ऑप्शन एन के सिंह, मोहम्मद आजम, शांतिलाल जैन और अजय कुमार, ठीक है। रिसेंटली हमने आई थिंक इन सब के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत की ही है, तो ज़रा देख लेते हैं क्या है कहानी। हाँ जी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज हर्षित राजा। यू ऑल नो दैट रिसेंटली इन्हें बनाया गया है 69th चेस ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर आप सभी जानते हैं।
इफ यू टॉक अबाउट एनके सिन्हा, ही इज़ द 15th फिनेंस कमिश्नर, 15वें वित्त कमीशन जो है हमारा, फिनेंस कमीशन है, उसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, और इन्हें अभी इलेक्ट किया गया है एन ई माफ कीजिएगा नॉट एन आई ई जी, इसे बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेड या इसका हेड चुना गया है या प्रेसिडेंट चुना गया है, और इससे पहले मनमोहन सिंह इसके हेड थे, रिसेंटली ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज उन्होंने स्टेप डाउन किया है, तो एन के सिंह न्यू बनेंगे, ये पता होना चाहिए। आज़म खान, रिसेंटली यूथ अवार्ड दिया गया है इनको, आज़म नॉट आज़म खान माफ़ कीजिएगा, इट्स मोहम्मद आज़म, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा, नेशनल यूथ अवार्ड दिया गया है इन्हें भी। नेक्स्ट आते हैं शांति लाल जैन, इफ़ यू टॉक अबाउट शांति लाल जैन, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी न्यू MD CEO ऑफ इंडियन बैंक। ज़रा देखें, इन्हें नए MD CEO बनाया गया है, किसका, इंडियन बैंक का, ठीक है। और इन्हों ये अभी करंटली क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा बॉब के। और इंडियन बैंक की बात करें, यू ऑल नो चेन्नई इज़ दी हेडक्वार्टर इंडियन बैंक का, और अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन की, तो इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, किसने, शांति लाल जैन ने। ये अभी हमने रिसेंटली बात भी की थी सबके बारे में, पद्मजा चुंद्रू, ठीक है, पद्मजा चुंद्रू को इन्होंने रिप्लेस किया है, किसने, शांति लाल जैन ने। सो ऑब्वियस ही बात है, एक ही आंसर बचता है हमारा, कौन सा वाला, ई वाला, अजय कुमार इज द राइट आंसर। चलो इसके बारे में बात कर लें, थैंक यू विवेशियस। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आंसर अगर हम इसकी बात करें तो अजय कुमार, ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन्हें बना दिया गया है, और आई थिंक ये डिफेंस सेक्रेटरी भी हैं एट प्रेजेंट, रक्षा सचिव जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। और इनका जो कार्यकाल है और इनका जो टेन्योर है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ऑगस्ट 20, ठीक है। इसके अलावा ये RBI से जुड़े हैं फ्रॉम द पास्ट 30 ईयर्स, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं लाइक फॉरेन एक्सचेंज, आपका विदेशी जो कोष है उससे रिलेटेड है, बैंकिंग सुपरविजन, फिनेंशियल इंक्लूजन, करेंसी मैनेजमेंट और इन एरिया से। बाकी RBI की बात करें, यू ऑल नो शक्तिकांत दास 25th गवर्नर हैं, देन महेश कुमार जैन, MD पात्रा, M राजेश्वर राव एंड T रविशंकर, दे आर दी डिप्टी गवर्नर्स ऑफ RBI, ठीक है। आई थिंक ये तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, चलो जी देखें क्या है क्वेश्चन। अच्छा जी, यहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज लिखी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज पार्टनर्ड विद बैंक ऑफ अमेरिका टू सेटअप अ सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने डिजिटल परिवर्तन केंद्र स्थापित करने के लिए बैंक ऑफ अमेरिका के साथ भागीदारी की है, IIFT न्यू दिल्ली, IISC बैंगलोर, IIT मद्रास, IIT अहमदाबाद, IIT बैंगलोर। ज़रा देखें, तो AK, पद्मा, नौरीन, रजत, विवेशियस, देन वी हैव जैकी, विनोद, और भी जो लोग हैं, रीभू नहीं आए हैं, राकेश नहीं आए हैं अभी, है ना, शिवम लेट होते हैं। चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, आज प्रीति नहीं है, है ना, आई थिंक वो देखेंगी हमारा रिकॉर्डेड वाला सेशन, है ना प्रीति, चलो देखते हैं। रिसेंटली आपको याद होगा हमने इसके बारे में बात भी की थी, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। इसमें जो IIT मुंबई है, ठीक है, इसे इंडिया का बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंक किया गया था, और वर्ल्ड में क्या था, 177th पोजीशन था, किस में, एक लिस्ट आई थी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्ट, इंडिया से फर्स्ट था बट वर्ल्ड में 177 था। इसके बाद आपका IIT दिल्ली, ठीक है, IIT दिल्ली अगर हम बात करें, इंडिया से सेकंड पोजीशन थी इसकी, और वर्ल्ड में 185 थी, ठीक है। इसके अलावा IIT जो बैंगलोर है, इसे थर्ड पोजीशन मिला था, ठीक है। एक बार फिर से ज़रा देख लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, क्या था, सबसे पहला हमारा था IIT मुंबई, इसे फर्स्ट पोजीशन मिला था इंडिया से, सेकंड पोजीशन मिला था न्यू दिल्ली को, थर्ड पोजीशन मिला था किसको, बैंगलोर को मिला था, ठीक है, IISc बैंगलोर को।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसका आईआईटी मुंबई का 177 पोजीशन था, आईआईटी दिल्ली का 185 पोजीशन था, वर्ल्ड में आईआईएससी बैंगलोर का 186 का, किसमें, जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग था। इसके अलावा एक नाम मुझे और याद आ रहा है, आईआईटी मेड्रास की बात करें तो इसने रिसेंटली, अभी अभी हाल ही में, आई थिंक 2-3 डेज पहले ही बात हुई थी, इंडिजिनियसली स्वदेश निर्मित, इंडिजिनियसली डेवलप्ड मोटराइज्ड, MOTORISED, मोटराइज्ड व्हील चेयर, ठीक है, व्हील चेयर आप सभी जानते हैं, वो डेवलप किया है। इसका नाम कुछ दिया गया है, इस व्हील चेयर को कुछ नाम दिया गया है, मोटराइज व्हील चेयर को, और वो नाम दिया गया है NEOBOLT, नियोबोल। मोटराइज क्या है, व्हील चेयर है, IIT मद्रास ने बनाया है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी वाला, IIM अहमदाबाद, जरा चेक कर लें इसको। हाँ जी सही, बिल्कुल IIM अहमदाबाद, बिल्कुल सही नौरीन। जैकी का आंसर लगता है गलत हुआ था। चलो देखते हैं, IIM अहमदाबाद और बैंक ऑफ अमेरिका ने, दे हैव पार्टनर्ड टू सेटअप अ सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अभय कुमार को, अभय कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। ये जो मिनिस्ट्री है, रिसेंटली इसका जो एम है वो स्ट्रेंथन करना है कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री, ठीक है। तो ये IIM जो आपका है, इसने अमेरिका के साथ वो किया है, ठीक है, सही है, IIM अहमदाबाद ही। मैं इनका एक बार कंफर्म कर लूँ, ऐसा तो नहीं कुछ ऑप्शन गलत लगा दिया हो। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा डेज वाला है, आगे अगला क्वेश्चन जी, देखें क्या लिखा है। एवरी ईयर डैश इज सेलिब्रेटेड एज अ इंटरनेशनल डॉग डे। अच्छा जी, हर साल डैश को अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस को के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कौन सा दिन है, 25, 26, 27, 28, 29। हम ऑलरेडी सारे डेज डिस्कस करते ही रहे हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी हैं इस वर्ष के, इस मंथ के, ठीक है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। सुधांशु आ जाए हैं, वेरी गुड। विनोद, जैकी, नौरीन, आंसर आ गया, विवेशिस, रजत, ठीक है। संजय नहीं है, अखिलेश जी अभी नहीं आए हैं, है ना। चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा जैकी का, अच्छा कोई एग्ज़ाम है, कोई बात नहीं जैकी, अपने एग्ज़ाम की तैयारी रखो जारी, ठीक है, रिकॉर्डेड देख लिया करो या जब टाइम मिला करे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देख लेते हैं, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर, द राइट आंसर इज बी वाला, 26 अगस्त, 26 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डॉग डे, ठीक है। ज़रा देख लें क्या है भैया, नाम से पता चल रहा है, इंटरनेशनल डॉग डे 26 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। डॉग्स को कंसिडर किया जाता है मोस्ट लॉयल फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमंस, तो उनकी संरक्षण के लिए और जाहिर सी बात है कंजर्वेशन के लिए ये जो डे है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेमेंस इक्वालिटी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, महिलाओं का समानता दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये डे आपको बताना है मुझे, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, ठीक है। ये लास्ट वाले क्वेश्चन के आंसर, पुष्पेंद्र का आंसर आया था, ठीक है, काफ़ी लोग हैं, ट्राई कर सकते हैं, आज हिमेंद्र भी नहीं है, है ना। चलो देख लेते हैं, 23, 24, 25, 26, 27, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, विवेशिस का आंसर आ गया है, नौरीन का, रिबू नहीं आया अभी, है ना, अभी भी। चलो 23, 24, 25, 26, अब तो मुझे नाम याद हो गए हैं काफ़ी लोगों के, नए पुराने सब बच्चों के, बिकॉज़ क्या होता है ना, जब न्यू न्यू हो तो आपको जब नाम याद नहीं होते तो कमेंट्स पढ़ने में भी दिक्कत आता है। बट चलो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी वाला, 26 अगस्त, दोनों का ही आंसर, एंड वर्ल्ड इंटरनेशनल डॉग डे और वेमेंस इक्वालिटी डे बोथ आर ऑब्जर्व्ड ऑन 26 अगस्त, 26 अगस्त को मनाया जाता है। एनिवर्सरी है 19th अमेंडमेंट, यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग वेमेन द राइट टू वोट, ठीक है। तो 19वां अमेंडमेंट आया था कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में, और उन्होंने उस अमेंडमेंट में क्या किया था, राइट टू वोट वेमेन को, फीमेल्स को, महिलाओं को दिया था, और इसी के चलते आपका ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया था, ठीक है, जाता है। हाँ जी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा है,
अच्छा रिबू है। अच्छा सुधांशु भी ऑफलाइन करते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, चलिए जी, इस क्वेश्चन का आंसर तो दे, क्वेश्चन पढ़ लें पहले हम। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, टेक चंद, ठीक है। टेक चंद हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फ्लैग बियरर इन टोक्यो ओलंपिक्स। टेक चंद इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? टेक चंद को अभी अपॉइंट किया गया है एज द न्यू फ्लैग बियरर या ध्वजवाहक, ठीक है, नया वर्ड सीखा, नियुक्त किया गया है। टेकचंद जी का संबंध किस खेल से है? रेसलिंग, कुश्ती, जैवलिन थ्रो, भाला फेंकने, फेंसिंग, स्विमिंग, शूटिंग, ठीक है। आप सभी जानते हैं अभी रिसेंटली जैवलिन थ्रो के लिए नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, हरियाणा से हैं। टोक्यो ओलंपिक्स जो कि 2020 चल रहे हैं। पैरा ओलंपिक्स की बात करें, आई थिंक स्टार्ट हो गए हैं पैरा ओलंपिक्स, ये भी टोक्यो में ही हो रहे हैं। कहाँ, टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स हो रहे हैं। अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, वो है पैरा ओलंपिक्स की, इसकी जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमिटी कहेंगे ना, हाँ, इसकी प्रेसिडेंट का नाम क्या है? दीपा मलिक, ठीक है। वेरी ब्रेव लेडी एंड वेरी प्राउड ऑफ दिस लेडी, दीपा मलिक उनका नाम है। इंडिया से 54 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स पर्सन आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन दिस इवेंट। भारत से 54 जो खेल से संबंधित जो जुड़े हुए लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन 9 स्पोर्टिंग इवेंट्स या 9 जो अलग अलग स्पोर्ट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे 54, ये पूछा जा सकता है। यू ऑल नो दैट आर यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, खेल मंत्री आपके अनुराग ठाकुर हैं, इन्होंने किरण रिजिजू को चेंज किया है। इसके अलावा 24 से 5 सितंबर, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक ये आपका चलेगा, क्या ये इवेंट चलेगा। इसके अलावा अनुराग ठाकुर जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है थीम सॉन्ग किसका? पैरा ओलंपिक्स का, जिसका नाम है कर दे धमाल तू, ठीक है, कर दे धमाल तू, ये इसका थीम सॉन्ग है। और इसके कंपोज़र जो है उनका नाम है संजीव सिंह, ये भी एक दिव्यांग क्रिकेटर रह चुके हैं, कहाँ से? लखनऊ से। इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एक फेंसर है, फेंसिंग, स्विमिंग, शूटिंग, जैवलिन थ्रो या रेसलिंग, ज़रा देख लें इसका आंसर क्या है। बी वाला, जैवलिन थ्रो, ठीक है, जैवलिन थ्रो से रिलेटेड है। टेकचंद जी, ज़रा इनके बारे में बात कर लेते हैं। अखिलेश जी, गुड मॉर्निंग, चलो देखें। सो इफ यू टॉक अबाउट टेकचंद जी, ही विल रिप्लेस मरियप्पम थंग वेलु, ठीक है, माफ़ी चाहूँगी अगर गलत नाम बोला। तो 2016 रियो पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है ये टेकचंद जी, इनको रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें तो रिसेंटली जो मरियप्पम थंगवेलु है, ये आई थिंक कोविड के कुछ जो पॉजिटिव लोग हैं उनके संपर्क में आए थे, उनके कांटेक्ट में आए थे, और इस वजह से इनको रिप्लेस किया है टेकचंद जी ने, ठीक है। हाँ जी, ये यही नीचे यही चीज़ मेंशन की गई है नीचे, ठीक है। अच्छा, ये टेकचंद जी को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिला है, और ठीक है ये देख लेना, और 2016 रियो में मिला है मरियप्पन थेंगवेलु को, क्या मिला है? गोल्ड मिला है। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। सेम थिंग्स आर मेंशन्ड ओवर हियर ऑल्सो। चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। रजत का आंसर आ गया है, क्वेश्चन है क्या देखें ज़रा। विद विच कंट्री इंडिया हैज़ कंडक्टेड 5th ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिन 21? भारत ने किस देश के साथ 5वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिन 21 आयोजित किया है? लेट्स सी क्या है, कजाकिस्तान, देन वी हैव उज्बेकिस्तान, देन वी हैव तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ए और बी, ज़रा इसके बारे में बात कर लें फटाफट से। अखिलेश जी का आंसर आ गया है, हाँ सही। अरे सब कुछ ने परेशान कर दिया है, नॉट ओनली एक्सरसाइज, कितना कितना क्या क्या पढ़े, बस वही है, ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज रिविजन करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, रिविजन करते जाओ, क्या आता है पता नहीं करंट में। तो उज़्बेकिस्तान, कैपिटल इज ताशकंद, ताशकंद यू ऑल नो,
एंड इसके जो प्रेसिडेंट है, रीसेंट आई थिंक अपॉइंटमेंट भी हुआ था इनका, शवकवत मिर्जवोव, शवकवत मिर्जवोव, उज्बेकिस्तानी सोम यहाँ की क्या है करेंसी। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ताशकंद कैपिटल में आयबा, ठीक है, आयबा का आयबा बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है, मेंस वाली, पुरुषों वाली, 2023 विल बी हेल्ड इन ताशकंद, ठीक है, ये ताशकंद में होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, उज्बेकिस्तान की हमने बात की है ना, तो एक चीज़ और उज़्बेकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज हुई थी डस्ट, LIK, डस्ट लिंक टू, रानीखेत में हुई थी, इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में। अभी और थोड़ी देर में देख लेंगे और कौन सी एक्सरसाइजेज हुई थी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन इज तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में अभी SCO का एक मीटिंग हुआ था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, जिसमें इंडिया से नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इसके अलावा किर्ग्स की बात करें, 8th इंडिया किर्ग्स जो स्पेशल फोर्सेस का एक्सरसाइज है, खंजर नाम है, नाम से ही पता चल रहा है किर्गिस्तानी होगा, खंजर नाम से ये क्या हुआ था, अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ था। किर्गिस्तान की बात करें, बिशेक, BISHEK, ठीक है, बिशेक इज इट्स कैपिटल। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है SADYRGJAPAROV, सेडेर जैप्रोवो, ठीक है। और आंसर क्या है इसका, ए वाला, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, नूरुल सुल्तान। चलो देखें ज़रा क्या है इसका सही आंसर, कजाकिस्तान इज द राइट आंसर। तो पांचवा एडिशन, 5th एडिशन है, बिहार रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा चलो देख लेते हैं, 5th एडिशन इंडो कजाकिस्तान का जॉइंट ट्रेनिंग है, इसे नाम दिया गया है काजिन 21। ये आपका होगा कहाँ पे होगा, August 30 से September 11, 2021 में होगा, ठीक है। कहाँ होगा, आयशा बीबी कजाकिस्तान में होगा, ठीक है। इंडिया की, हाँ देखो, बिहार रेजिमेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगी, बिल्कुल सही कहा, ठीक है, और वहाँ पे कजाकिस्तानी आर्मी। रिसेंटली इंडिया, और अभी मैंने बताया खंजर एक्सरसाइज हुआ था, देख लेना। फिर है प्रबल दोस्त एक्सरसाइज हुआ था इंडिया और कजाकिस्तान में, और डस्ट लिंक अभी मैंने बताया इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये एक्सरसाइजेज अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई थी, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप इतना दिख रहा होगा, उसे जूम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट कुछ और इसमें बताने जैसा है नहीं। ये देखो आयशा बीबी, अगर वहाँ दिखा नहीं था, कजाकिस्तान में दिस एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 30th to 11th of September। आ जाओ अगला क्वेश्चन है, हाँ जी ये क्वेश्चन भी अच्छा है, काफ़ी लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गाइस दिस इज़ अ लाइव सेशन, लाइव चल रहा है सेशन, तो ज़रा क्वेश्चन पढ़ के आंसर दो, ठीक है ना। और क्या लिखा है क्वेश्चन, टेड डेक्स्टर पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द फॉर्मर कैप्टन ऑफ विच कंट्रीज क्रिकेट टीम। टेड डेक्स्टर का हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, देन ए और बी, लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। विशेष का आंसर आ गया है, टेड नाम है इनका निक नेम, लेट्स सी क्या है, कौन सी टीम से है, काफ़ी लोगों ने बताया है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, यू ऑल नो ऑस्ट्रेलिया के बारे में, 2022 अगर चेंज नहीं हुआ था, हुआ है तो T20 विमेंस वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। देन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कंबाइंडली होस्ट करेंगे 2023 का जो वर्ल्ड कप है, ठीक है, वर्ल्ड कप विमेंस वाला, वर्ल्ड कप विमेंस वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कंबाइंडली। न्यूजीलैंड की बात करें, जैकिंडा अर्डन काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं, वहाँ की प्रेसिडेंट, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। नेक्स्ट हम बात करें एक और, हाँ न्यूजीलैंड से याद आ रहा है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, एक नाम आपको पता होना चाहिए, LAUREL, लॉरेल हबर्ड। अब ये हैं कौन भाई, अगर आपको याद हो हमने शायद डिस्कस भी किया था, ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, इन्होंने अपना जेंडर चेंज किया है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं जो कि ओलंपिक्स में कम्पीट करेंगे, न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर हैं, ठीक है, वेट लिफ्टर हैं, और ये फीमेल कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में इन्होंने कम्पीट किया है, थोड़ा विवादित हुआ था 87 kgs कैटेगरी में, और विवाद ये था बिकॉज ट्रांसजेंडर है तो कंसिडर किया जा रहा था कि इनका जो, ऑब्वियसली इनका जो
फीमेल्स के साथ कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इन्हें शायद एडवांटेज होगा इसका, तो ये थोड़ा सा एक इशू चल रहा था, इस वजह से नाम थोड़ा न्यूज़ में था। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है जडबरी, जडबरी इसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, सबसे स्वच्छ सिटी वर्ल्ड का किया गया। इंडिया की यू ऑल नो गाज़ियाबाद सेकेंड पॉल्यूटेड सिटी है, और एक और सिटी क्या नाम था उसका, होतान, हाँ होतान वर्ल्ड का पॉल्यूटेड सिटी है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वाला सिटी है कौन सा, होतान। ये सारी चीज़ें हमने बात की थी। अगर हम बात करें किसकी बात करें, अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे साइन किया है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे साइन किया है। ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन, यू ऑल नो, इंग्लैंड में कौन है, बोरिस जॉनसन है, बोरिस जॉनसन आपके क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, स्कॉट मॉरिसन क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ पे, वहाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, क्या करेंसी, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ रहे हैं, इसके अलावा इंग्लैंड की ही बात करें तो इंग्लैंड के साथ इंडिया ने अभी पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज कोंकण में, एक्सरसाइज कोंकण में इंडिया और ब्रिटिश जो रॉयल नेवीज़ हैं, रॉयल नेवी है, उसने पार्टिसिपेट किया है इसमें, ठीक है। साउथ अफ्रीका की बात करें, कैपिटल इज केप टाउन, ठीक है, प्रिटोरिया को भी कहा जाता है, प्रिटोरिया भी कैपिटल है और ब्लोमफिनटोन भी इसकी कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की ही बात करें तो सिरिल रामफोसा यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट है। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक, ऑस्ट्रेलिया कह रहे, साउथ अफ्रीका में एक चीज़ है, वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड, थर्ड लार्जेस्ट डायमंड ऑस्ट्रेलिया में अभी मिला है, एक जगह है बोत्सवाना, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है राइट आंसर इज सी वाला, ठीक है, इंग्लैंड इज द राइट आंसर। काफ़ी लोगों ने इंग्लैंड लगाया है, मुझे जो रैंडमली याद आता जाता है मैं बोलती जाती हूँ, ठीक है ना। तो इंग्लैंड के कैप्टन टेड डेक्स्टर, रिसेंटली ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 86 वर्ष में इनका निधन हुआ, एंड हिज निकनेम इज लॉर्ड टेड, ठीक है। उन्होंने डेब्यू किया था 1958 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, इंडिया की, इंग्लैंड की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा, बोत्सवाना, बिल्कुल सही, जाकी जितना रैंडमली मुझे याद आता जाता है मैं बोलती जाती हूँ, समटाइम्स फ्लो बन जाता है ना, काफ़ी चीज़ें याद आ जाती हैं। SS Hakim passed away recently. He was associated with which sport? SS Hakim का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, चेस, रेसलिंग, ठीक है, देखो जरा क्या है इसका सही आंसर। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो, अगर हम बात करें चेस की, तो अभी आप जानते हैं 69 चेस मास्टर, ग्रैंड मास्टर कौन बने, अभी मैंने बताया भी था शायद आपको, हर्षित राजा बने हैं, ठीक है, ये नाम आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा हॉकी की बात करें तो आपको पता है मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में, और उड़ीसा जो गवर्नमेंट है, उड़ीसा गवर्नमेंट है वो मेन मेल फीमेल जो हॉकी टीम है उनको स्पॉन्सर करेगी, ठीक है ना, उसने अभी ये अनाउंसमेंट किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। तो शुभू का आंसर आया है, देन ए के नौरीन, रजत, पद्मा, जैकी, अखिलेश जी, विवेशियस, रिभू, ठीक है, सुधांशु, रजत, जितने नाम मुझे पता थे मैंने बोल दिए, विवेशियस, और कौन है भाई देख लिया जाए, और भी जो लोग देख रहे हैं, विनोद, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर ट्राई कर सकते हैं। 1960 रोम ओलंपिक्स की टीम में थे, चलो देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी वाला, फुटबॉल, फुटबॉल है सही आंसर, हाँ जी बी सबने लगाया है। तो ये हैं, आप देख सकते हैं इनको, इनका रिसेंटली ये इनका देहांत हुआ है, SS कहाँ गया बाबा, हाँ SS Hakim जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही जैकी ने बताया, 1960 के जो रोम ओलंपिक्स हैं उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इन्हें, ये इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड है जैसा कि मैंने कहा, द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं, ठीक है, और असिस्टेंट कोच रह चुके हैं PK बैनर्जी 1982 एशियन गेम्स दिल्ली के दौरान, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा है शुभू ने, बच्चे मैं अभी फ़िलहाल, वैसे तो मैं लेती हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का भी क्लास, तो अभी मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ, बट जब अगर चैनल से मुझे आएगा कि आपको लेना है तो ऑब्वियसली मैं ले भी सकती हूँ,
ठीक है। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे हमारे यहाँ हमारे चैनल पे, अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे जाके तो, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है जी? नूर सुल्तान, दुशनबे, दुशनबे सही है, अशखाबाद, अशखाबाद, देन ताशकंद, फिर है बिशेक। चलो देखें ज़रा क्या है। ए के, विवेश, शुभम, अखिलेश जी, पद्मा, अभी काफ़ी लोग मेरे फेसबुक वाले अभी यहाँ नहीं हैं, हो सकता है हम फेसबुक की भी स्ट्रीमिंग जल्दी स्टार्ट करें, है ना। जो पुराने बच्चे वो जानते हैं कि मैं फेसबुक और यूट्यूब दोनों से लाइव होती थी, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे वो थोड़े से सही हो जाते हैं, बाकी चैनल से परमिशन मिल गया है हम फेसबुक लाइव हो सकते हैं, तो देखते हैं कब से करेंगे। क्या बोला मैंने इस क्वेश्चन का आंसर? कजाकिस्तान, इसकी बात कर लें ज़रा। दूसरा ऑप्शन है दुशांबे, ठीक है। अभी मैंने बताया इट इज़ द कैपिटल ऑफ तजिकिस्तान, ठीक है, तजिकिस्तान की कैपिटल है। देन अशगबत, अशगबत ठीक है, ये है आपका तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है, ठीक है। देन यू ऑल नो ताशकंद, उज्बेकिस्तान की कैपिटल, अभी बताया। बिशेक इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान, के वाई आर जी वाई जेड एस, इतना स्पेलिंग का इशू है, किर्गिस्तान की कैपिटल है बिशेक, ठीक है। एंड लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नूर सुल्तान इज द राइट आंसर, कैपिटल है कजाकिस्तान की, ठीक है। कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन भी होने चाहिए। करेंसी आपकी कजाकिस्तानी तेंग है और कैपिटल इज नूर सुल्तान। हाँ जी रजत, बिल्कुल सही, पद्मा का आंसर भी सही है। चलो देख लें, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, अभी बताया भी है मैंने, एक क्वेश्चन भी अभी था इसलिए वाला क्वेश्चन। जल शक्ति मंत्रालय के लिए कौन से मंत्री जिम्मेदार हैं? प्रहलाद जोशी, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नकवी, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है ना। ये अभी मैंने आपको कुछ यूनियन मिनिस्टर्स बताए ही हैं, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास है। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना तो उसमें एक बार देख लेना, सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ हैं, अभी जो रीसेंट जितने भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देखें, पहला है प्रहलाद वेंकटेश जोशी, इट्स इसका जो स्पेलिंग है आई थिंक PRLHAD है, ठीक है, इट्स नॉट प्रहलाद, इट्स प्रहलाद, ऐसे करके स्पेलिंग है ये। चलो देख लेते हैं, पॉलिटिशियन है, कोल मंत्रालय इनके पास है आई थिंक, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, माइंस पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, IT मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर थे आई थिंक रिसेंट, अभी रिज़ाइन किया था इन्होंने। धर्मेंद्र प्रसाद अभी रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, एजुकेशन मिनिस्टर निशंक को इन्होंने, रमेश पोखरियाल निशंक को रिप्लेस किया है। मुख्तार अब्बास नकवी अगर इनकी बात करें तो डिप्टी लीडर हैं ये, कहाँ पे, राज्यसभा में, और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी, एंड द राइट आंसर इज ऑब्वियसली ई वाला, कहाँ गया, ई इज़ दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। हमने आई थिंक स्टार्टिंग में सारे मिनिस्ट्री एक साथ डिस्कस कर लिया है, तो आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूएंसी सब कुछ लिखा हुआ है तो एक बार देख ज़रूर लेना। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जल शक्ति मिनिस्टर, अक्सर न्यूज़ में रहते हैं। तो गाइज आ जाते हैं हमारे होमवर्क वाले क्वेश्चन पे, होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग हमें लाइव में दे देते हैं, कृपया हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दिया करो, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। वेयर विल द फर्स्ट थिएटर बी ओपन विच विल बी एट अ हाइट ऑफ 115.62 feet अबव सी लेवल, कहाँ पर पहला थिएटर खोला जाएगा जो समुद्र तल से इतना फुट की ऊंचाई पर होगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द थर्ड फेज ऑफ मिशन शक्ति, मिशन शक्ति मिशन का तीसरा चरण कौन से मंत्रालय ने अभी शुरू किया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आप मुझे आंसर्स देंगे, कहाँ देंगे, वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है ना। चलिए जी, इसके अलावा गाइज अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल का नाम एम्बिशियस बाबा है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगा, अगर आप डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है चैनल का, टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। बाकी अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं अभी PDF डाल ही देती हूँ, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी गाइज, इसके अलावा गाइज एग्ज़ाम एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है ना। तो अभी तो सब एग्ज़ाम सारी डेट्स वेट्स आ गई हैं,
देखते हैं कुछ रिवीजन वगैरह भी आप लोगों का कर लिया जाएगा अगस्त वगैरह का जो भी है एक साथ सारा करंट, सो दैट आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। इसके अलावा आप पोस्ट वगैरह देखते रहिए। कल मैंने शायद सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डाल दिया था, ट्राइब्स मैंने बोला है डालूंगी, तो मैंने कहा 1 से 2 दिन में डालूंगी, तो हो सकता है आज से कल मैं पक्का डाल दूँ ट्राइब्स आपके लिए, ठीक है। अरे रिभु अभी आंसर नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है ना। चलिए गाइस मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।